हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। हमारे सामने TVS Jupiter 125 E20 अपडेट के साथ ये गाड़ी आ चुकी है, बहुत ही अच्छी फीचर्स के साथ, माइलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसके लुक की बात करें तो लुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस टाइप की दिखाई पड़ती है भाई, बहुत ही अमेजिंग फ्रंट प्रोफाइल है इसकी। यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई LED हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाता है, बहुत बढ़िया क्रोमिश का थोड़ा सा यूज़ किया गया। विंडशील्ड बहुत सी छोटी सी है, यहाँ पे TVS का लोगो, नंबर प्लेट का स्लॉट, साइड में जो DRLs है देखिए कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ये भी देखिए DRLs बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुक देते हैं इस गाड़ी को। यहाँ पे बल्ब इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है और भाई फ्रंट मिडगार्ड जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, यहाँ रबड़ का यूज़ किया गया है सेफ्टी के लिए और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इस गाड़ी में, काफ़ी बढ़िया। टायर सेक्शन की बात करें तो भाई इसमें 90 सेक्शन का टायर आपको देखने को मिल जाता है, 220 mm की डिस्क आपको देखने को मिल जाती है। देखिए बिल्कुल सिल्वर कलर में डिस्क है जो लुक को ज़्यादा इन्हेंस करती है। और इसके अलॉयज की अगर बात करें, यहाँ रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ब्रेक्स लगे हुए हैं और अलॉयज की बात करें 12 इंचेस के अलॉयज आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा सेफ्टी गार्ड लगाया गया है। तो भाई फ्रंट प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप की दिखाई पड़ती है इस गाड़ी की, तो भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग साइड प्रोफाइल भी देखने को मिल जाती है। क्रोमिस का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है, यहाँ पे 3D में आपको जुपिटर 125 की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। और भाई सीट की बात करें तो कुशनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी की गई है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है, बहुत ही ज़्यादा चौड़ी सीट दी गई है इस गाड़ी में जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रैब रेल्स तो बहुत ही ज़्यादा हैवी मेटल ग्रैब रेल्स लगाए गए हैं यहाँ पे। और भाई लेग स्पेस की बात करें तो अच्छा खासा लेग स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हुक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे E20 का फ्यूल कैप देखने को मिल जाता है, फ्यूल आप बड़ा भरा सकते हैं। फ्यूल टैंक आगे की कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है, बहुत सिंपल सी। मीटर ऑन करते हैं तो भाई मीटर ऑन करने के बाद देखिए डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों मीटर आपको देखने को मिल जाता है। ड्राइव प्रोफाइल कुछ इस टाइप की, स्विचेज एंड कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ मोड्स के बटन देखने को मिल जाते हैं, स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है और TVS का बैचिंग और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ये गाड़ी है। अब इस बैठ के दिखाता हूँ तो भाई देखिए अच्छा खासा लेग स्पेस आपको देखने को मिल जाता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, आप कुछ रख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कि देखिए चार्जिंग स्लॉट है, आप फोन भी लगा के चार्ज कर सकते हैं, नीचे आप फोन रख सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया फीचर्स दिया गया, यहाँ पे भी हुक दिया गया है और भाई बाई ड्राइव प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है इस गाड़ी में, काफ़ी बढ़िया फीचर्स। तो चाबी बंद कर देते हैं थोड़ा सा और फिर आगे की चीज़ें जानते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो भाई ऑटो कट स्टैंड देखिए अलार्म बजेगा, जैसे स्टार्ट लगा दिया और जब तक ऊपर नहीं करेंगे तब तक अलार्म बजता रहेगा देखिए, और अब जैसे ऊपर कर दिया अलार्म बंद हो गया। तो भाई बहुत ही अच्छा फीचर्स है, ये भी आपको पता रहेगा कि स्टैंड लगा हुआ है आपका, तो काफ़ी बढ़िया ऑटो का स्टैंड दिया गया है, आप इसको नीचे रहेगा तब तक अलार्म बजेगा। फुटरेस्ट देख लीजिए यहाँ पे, तो काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, फीचर्स लोडेड गाड़ी है। और भाई E20 अपडेट आ चुका है सभी गाड़ियों में, 20% जो है एथेनॉल पेट्रोल में मिलेगा, तो भी एक चीज़ है जिससे पॉल्यूशन कम होगा। यहाँ पे देखिए बैक टेल लाइट काफ़ी बढ़िया है, TVS की बैचिंग, बल्ब इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, बैक टेल सेक्शन बहुत ही बड़ा है, बैक प्रोफाइल जो है थोड़ा सा ठीक ठाक लगती है, रिफ्लेक्टर है यहाँ पे। और भाई इधर आप आएंगे तो जुपिटर की 125 की बैचिंग, सिंगल पाइपर जॉश, क्रोम इसका थोड़ा सा यूज़ किया गया है इसमें। यहाँ पे आप देंगे तो यहाँ पे भी क्रोम का यूज़ किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से, काफ़ी बढ़िया। और पीछे के सेम टायर आपको देखने को मिल जाएगा, 90 सेक्शन के अलॉयज की बात करें तो 12 इंचेस के अलॉयज, 220 mm की फ्रंट डिस्क आपको देखने को मिल जाएगी, बैक में डिस्क नहीं है। तो भाई काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, ओवरऑल गाड़ी की प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,12,000 रुपये ऑन रोड प्राइस होने वाली है इसकी लखनऊ में, तो भाई प्राइसिंग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। फ्यूल टैंक की बात करें तो 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करें तो 32 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने मिल जाता है। अभी मैं बूट स्पेस आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है इसमें, 32 लीटर का बूट स्पेस भाई मायने रखता है। और इसका बूट स्पेस थोड़ा सा स्पेशल भी मैं दिखाता हूँ आपको खोल के, तो यहाँ से ऑन होता है बूट स्पेस, की से ऑन होता है और मैं ऑन करता हूँ बूट स्पेस इसका। ये देखिए यहाँ पर जब इसको नीचे की साइड में आप घुमाएंगे तो की ये बूट खुल जाएगा, खुल जाए तो ये बूट खुलने के बाद कुछ इस टाइप का, देखिए कितना बड़ा सा इसका बूट स्पेस है, 32 लीटर का इसका बूट स्पेस है। डबल साइज़, बिग साइज़ हेलमेट दो आ सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इजीली। तो भाई इसका जो बूट स्पेस है बहुत ही बड़ा दे दिया गया, तो काफ़ी बढ़िया फीचर्स है। यहाँ पे बल्ब भी आपको लाइट दे दी गई है, तो काफ़ी अच्छा फीचर्स है। गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।